चेला। हाँ बाबा। अरे आजकल कारनी सब नहीं आ रहा। कैसे आएगा? इसको बोलते हैं नारंगी को कि गेट पर जाके एक ठा बोर्ड में लिख दो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तू करता नहीं है। ऐसा करने से नहीं होता है बाबा। देखिए ऐसा करने से नहीं होता है छोटा। तुम तो गया था ना गांव में प्रचार करने के लिए। क्या तू प्रचार करने के लिए गया था या कहीं पे बैठा था तू? नहीं बाबा, गए तो थे। गए थे तो कहाँ आ रहा है कारनी साहब? बाबा सुनिए, छोटा ये झूठ बोल रहा है बराबर। हाँ नहीं बाबा, गए थे गांव में घुसने से पहले 10 कुत्ता आर ने हमको पीछा कर दिया, इसलिए भागे भागे चला। देखो देखो, अब इस कपड़ा में जाएगा तो कुत्ता पीछे नहीं पड़ेगा, नॉर्मल अवस्था में जाना। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है भुजंगी? मैं नंगे चले जाऊं? हैं, नंगी है तो नंगे चले जाओ। अच्छा, अब तुम भुजंगी है तो क्या हैं? अरे तुम दोनों हल्ला मत करो, नहीं तो तुम दोनों को भगा देंगे। कोई प्रचार नहीं मेरा करता है, सब कारनी सब नहीं आ रही है। आप भगा दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे? आपके शरण में रहना। बच्चा हाँ बाबा, कहाँ से आई हो? बाबा समस्तीपुर से। समस्तीपुर से आई हो? हाँ बाबा। और ये कौन? ये मेरी छोटी बहन है बाबा। ओ, छोटी बहन है तुम्हारा? हाँ। क्या करती है, पढ़ती लिखती है कि नहीं? हाँ बाबा, पढ़ती लिखती है। तो बच्चा क्या समस्या है? बाबा समस्या ये है, जो रात में ये जब सोती है ना। ठीक है क्या हुआ बाबा? नहीं नहीं नहीं, बस चला। रात में जब सोती है ना, हाँ, आधी आधी रात को, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे, चिल्ला चिल्ला के उठती है बाबा, और मेरे पास ही सोती है, भर पांच को पकड़ लेती है बाबा, अब बहुत जोर जोर से चिल्लाती है बाबा। यानी ये रात को चिल्लाती है? हाँ बाबा। हाँ। डरती भी है? हाँ बाबा, डरती भी है। अब बोलती है कि दीदी हम अजीब अजीब बुरा बुरा सपना देखे हैं, इसीलिए हमको डर हो जाता है। खैर बच्चा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? बाबा के पास आ गई हो ना, तो सब समस्या का समाधान बाबा कर देगा। पहले बाबा को देखने बच्ची थोड़ा इधर आओ, आगे आगे। देखिए हम बहुत उम्मीद लेके आपके पास आए बाबा। अरे आप आगे से देखिए, मैं पीछे से देखता हूँ। ठीक ठीक है, चला देख लो देख लो देख लो। आगे पीछे परेशानी नहीं है बाबा, सपना की परेशानी है। अरे बच्चा वही आगे से हम देखते हैं, यानी वर्तमान काल हम देखते हैं और भूतकाल पीछे से मेरा चेला देखता रहता है। तो हम कौन काल देखेंगे बाबा, हमको भी देखना है। हाँ हाँ, तुम भी देखना, तुम भी देखना, लेकिन बर्दाश्त कर बर्दाश्त। बच्चा हाँ बाबा, तुम्हारा हाथ देखे, रात रात भर बाबा। हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं, हम नहीं सो पाते हैं इसके चक्कर में। नहीं पता चला। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ बाबा? अरे इसके ऊपर जो है ना, हाँ? बहुत बड़ा चुड़ैल का बास हो गया है। क्या? हाँ बाबा, तब तो इसको मार करके ले जाएगी। नहीं हाँ, वो तो मार के ले ही जाएगी। हाँ, इसको खून पी जाएगी। अरे बच्चा, तुम तो सही टाइम पे आ गई मेरे पास। हाँ। अगर थोड़ा भी लेट होता ना, तो इसको सीधे मार के अपने ऊपर लेके जाता। हाय बाबा बाबा बाबा, बचा लीजिए मेरी बहन को, बचा लीजिए बाबा, हम बहुत प्यार करते हैं बाबा। अरे बाबा के पास आ गई हो तो बाबा सब चीज का जो है ना, बाबा के पास में उपाय है, चिंता मत करो बाबा। इसके ऊपर से जो है ना, वो चुड़ैल को हम भगा देंगे। हाँ हाँ बाबा, चुटकी में भगा देगा, चुटकी में। मिनटों के काम घंटों में बाबा कर देते हैं। चुड़ैल भगा दीजिए, हम अपने बच्चे के जैसे इसको पोस पाल के बड़ा किया, जब से मेरी मां मर गई। तो देखो बच्चा, इसको जो है ना,
कुटी के अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे भूत को भगाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो चुड़ैल है उसको। हाँ, 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 चुड़ैल है कि भूत है बाबा? चुड़ैल, वही भूत, चुड़ैल भूत, प्रेत बोलो, मलेच्छ बोलो, यही सब होता है। एक एक प्राणी होता है वो सब। हाँ बाबा, चलिए तब जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? अगर वहाँ तुम जाओगी ना, हाँ, तो इसके शरीर पे से उतर के तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा। हाँ, क्या किया? हाँ, सही करा है बाबा। फिर तुम डरावना डर का सपना देखोगी, रात को चिल्लाओगी बाबा, फिर डरोगी नहीं बाबा। हाँ ठीक है, हम यहीं बैठते हैं बाबा, लेके जाइए अच्छे से बाबा। हाँ, हम आते हैं। ठीक है बाबा, बाबा। हाँ, वैसे हम भी तो सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा झाड़ फूक, एक बार हम जाए ट्राई करके आए। नहीं नहीं, इसके ऊपर जो है ना, हाँ, बहुत बड़ा चुड़ैल है, ये तुमसे नहीं भागेगा। बाबा हमसे तो भागेगा ना? नहीं नहीं, नहीं। हमसे भी नहीं भागेगा? नहीं, ये मंत्र अभी तुम लोग को नहीं सिखाए है, तुम लोग को बाद में सिखाएंगे। बाबा जब मंत्र नहीं सिखाए है, अरे ये उस टाइम जो बोल रहे थे पीछे से मेरा चेला देख रहे, आगे से हम देख रहे। अरे हर चीज का मंत्र होता है। हाँ, भूत प्रेत भगाने का मंत्र अभी नहीं उतना सीखा है ये लोग, सिर्फ देखने वाला सीखे। हो जाएगा इससे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या चला? नहीं बाबा, ले जाइए, ले जाइए आप, ले। हाँ, तुम बैठो, इसको हम आते हैं, उठो झाड़ फूक करके। डरना मत छोटी, जैसे जैसे बाबा बोला वैसे वैसे करना। हे भगवान, नारंगी जाइए, देखा बाबा का याद। हाँ, औरत सब आती थी तो कहता था कि चला तुम लो जाओ, तुम लो जाओ। हाँ, आज लड़की आई, कच्ची कली आई, खूबसूरत हसीन लड़की आई। हाँ, 14 बरस की, उसको बाबा खुद ले गया भोग लगाने के लिए। बाबा हाँ, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? कैसे नहीं ठीक होगा? अरे तुम्हारे बहन का, तुम्हारे बहन जैसे न जाने कितना कारनी आया है, उसको तो चरेल भूते पत्नी हमालेच जो भी होता है बाबा क्षण में, घंटों के काम मिनटों में कर देता है। हाँ, नारंगी। हाँ, इसको भी परेशानी कोनो लग रहा है, देखे देखो ना, दिख रहा है नारंगी, भुजंगी। हाँ नारंगी, इसका शरीर पर तो देख रहे हैं सुखनी देवी है। हाँ, जो भी खाना खाता है एकदम दिन ब दिन सुखती जा रही है। हाँ, एकदम चकट के कैसी हो गई है। अरे बाप रे बाप, चल भुजंगी। हाँ नारंगी, अगर इस तरह सुखनी देवी इसका शरीर पर रहेगा तब तो इसका पूरा खून चूस के इसको खत्म कर देगा, इसलिए काली होती जा रही है। हाँ बच्चा, तुमको भी झरवाना है? बाबा हम तो ये नहीं समझे सुखनी देवी क्या होता है। अरे वो एक देवी होता है। हाँ, जिसके सिर में घुस जाता है उसको जान लेके ही छोड़ता है। अरे बाप रे, हम तो सोच रहे थे मेरी बहन को ये बीमारी है, लेकिन हमको भी कब से बीमारी आ गई। झरवाओगी? अरे झरवा लो, झरवा लो, ऐसा बाद में मौका मिलेगा। नारंगी और भुजंगी दोनों मिलके झाड़ देंगे। हां बाबा को आने दीजिए, हम भी झरवा आएगा तो फिर नहीं झर पाएगा। बाबा आएगा तो कैसे होगा? सुखनी देवी का काम सिर्फ चेला लोग करता है, क्योंकि चेला ही झाड़ सकता है। आजा लेट जा, आजा लेट जा, लेट जा, तुम्हारे भी शरीर से सुखनी देवी को निकाल देते हैं। भुजंगी, हाँ, तुम आगे से निकालोगी कि पीछे से? हम पीछे से, हम आगे से। हाँ हाँ, बच्चा। हाँ बाबा, यहाँ पे तुम लेट जा। काय? अरे बच्चा, लेटोगी तब ना हम जादू टोना करेंगे, तुम्हारे ऊपर से चुड़ैल को भगाएंगे। लेट के कैसे चुड़ैल भगता है? अरे जब तू लेट जाओगी फिर उसके ऊपर जो है हम तंत्र मंत्र मारेंगे, और तंत्र मंत्र मारते ही देखना चुड़ैल तुम्हारे शरीर से भाग जाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, फिर तुमको परेशान नहीं करेगा। नहीं भागेगा तो? अरे भाग जाएगा, हम बाबा है, बहुत चुड़ैल को हम भगाए हैं यहाँ से। ठीक, जल्दी करो। बाबा क्या कर रहे हो? अरे बच्चा, ऐसे ही तंत्र मंत्र हम मारते हैं, और मारेंगे उसके बाद भूत भाग जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ठीक। हाँ,
अब मेरे शरीर पर से सुखनी देवी हट गई ना। हटेगा कैसे नहीं, नारंगी आगे से भोग लगाया, भुजंगी पीछे से लगाया, घर फूकी हाँ। तो कैसे नहीं हटेगा, बाबा नहीं आया अभी तो आएगा बच्चा। अरे बाबा को होम जाप करने में, चुड़ैल को भगाने में टाइम लगता है। और ये सब बात तुम किसी को मत बताना हाँ। तो चला इस तरह झाड़फूट किया है, नहीं तो फिर से सुखनी देवी घुस जाएगा। ना 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 हम नहीं बताएंगे बच्चा। हाँ बाबा, तुम्हारे साथ जो अंदर किए ना हाँ। ये किसी को मत बताना ठीक है, नहीं तो बताएगी तो वो जो मलेच था ना चुड़ैल वो फिर से तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा। ठीक है बाबा। कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ आ गए बाबा, आ गए आ गए। बैठो 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 बैठो। अरे बाबा कहो तो पंखा, बाबा को गर्मी से परेशान हो गए। अरे थोड़ा हुको चला हुको, बहुत परेशान हो गए। अरे इतना भरा इसके ऊपर चुड़ैल था तो हम तो भगाते भगाते परेशान हो गए। चला तो बाबा हमको बुला लेते। नहीं नहीं हम भगा दिए तो भगा दिए बाबा। आप कभी नहीं ना रात में? अब कभी नहीं रात को ये चिल्लाएगी, दोबारा नहीं ना आएगी। नहीं बाबा की जय हो बाबा। दान दक्षिणा, दान दक्षिणा बाबा नहीं लेता है। बस एक काम करना, अगर कोई करने का समस्या हो तो बस बाबा के पास भेज देना। जरूर जरूर हाँ, जरूर हाँ, हाँ, जब इतना बड़ा हमारा दुख समस्या भगा दिया तो हम इतना काम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जाओ बेटा, आशीर्वाद ले लो बाबा से। आओ आओ खुश रहो खुश रहो। बाबा एक बात बोले। बोलो बोलो। आप उधर गए भोग लगाने के लिए, आप दोनों चेरा इसको भोग लगा दिए यहाँ पे। लगा लिया ना? हाँ पीछे से लगाए हुआ है। संतुष्टि हो गया ना एकदम? चलो ऐसा ही करते रहो, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि वो देख के लगाना। अगर कभी ऐसा कारनी आ जाएगी और उसके साथ में ऐसा करोगे तो बाहर जाके बोल देगी, फिर तो नहीं तो संभाल लेना तू। बाबा भुजंगी या नारंगी रहती हाँ, है ऐसा हो एकदम एकदम। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। दर्शक बंधु नमस्कार, ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसे किसी जाति या किसी धर्म से जोड़ कर ना देखे। आप लोग सतर्क रहे और सावधान रहे।